प्रतापगढ़ से रायबरेली पहुंची गंगा यात्रा। गंगा यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद, कांग्रेस विधायक अदिति सिंह गंगा यात्रा में शामिल। कल कानपुर में होगा गंगा यात्रा का समापन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गंगा यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस विधायक अदिति सिंह भी गंगा यात्रा में शामिल हुई। तो उससे पहले भी वो किस अलग अलग मौकों पर कांग्रेस से मुख्तलिफ रवैया अपनाती रही हैं। और कल आपको बता दें, कल कानपुर में गंगा यात्रा का समापन होना है। 27 से 31 तारीख तक चलने वाली गंगा यात्रा, जिसके जरिए लोगों को पैगाम देना है कि गंगा को स्वच्छ रखना है। गंगा ना सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि गंगा अर्थ का भी केंद्र बन सकती है, अर्थशास्त्र का केंद्र बन सकती है। और जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उनको लेकर भी जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाना है। और इसी मकसद के साथ बिजनौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा का आगाज किया और बलिया से इसकी शुरुआत की थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। तो कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह भी गंगा यात्रा में शामिल हुई। यहां पर नई चीज यह भी देखने को मिली, कल कानपुर में होगा गंगा यात्रा का समापन। प्रतापगढ़ से रायबरेली पहुंचेगी गंगा यात्रा। गगन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। गगन, ये बताइए कि दरअसल गंगा यात्रा का आगाज 27 और 31 को इसका समापन हो रहा है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है। जागरूकता कितनी फैली है और अदिति सिंह आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, माफ कीजिए, दिनेश शर्मा के साथ मौजूद थी गंगा यात्रा में, वो भी शामिल हुई। देखिए बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे योगी कैबिनेट के मंत्री अलग अलग इलाकों में गंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस गंगा यात्रा के बीच में जो देखने को मिल रहा है वो काफी रोचक है कि अदिति सिंह आज गंगा यात्रा में मौजूद हैं दिनेश शर्मा के साथ। माने कि बीजेपी के कार्यक्रम में अदिति सिंह पहुंची हुई है। कोई वैसे पहली मरतबा नहीं है जब अदिति सिंह ऐसे बीजेपी के साथ दिखी हो या बीजेपी के सुर में सुर मिलाती हुई दिखी हो। इससे पहले जब आर्टिकल 370 मोदी सरकार ने हटाया था कश्मीर से, तब भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और जय हिंद आर्टिकल हटाने की शुभकामनाएं। बीजेपी के ब्रजभूषण सांसद हैं, उनके भी जन्मदिन के मौके पर उनके स्टेज उन्होंने शेयर किया था। यही नहीं, जब सोनिया गांधी भी हाल ही में जब रायबरेली जाती हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहती हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें कांग्रेसी नेताओं को प्रशिक्षण देना होता है, वहां पर अदिति सिंह नहीं दिखाई देती है। यानी कि कांग्रेस दूरी है, बीजेपी के करीब है, और जब अदिति सिंह से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और किसी से मिलना, अगर किसी से पर्सनल रिश्ते हैं, अगर मिलते हैं तो कोई बुराई बात नहीं, लेकिन राजनीतिक मायने काफी अहम माने आते हैं। क्योंकि जब से अदिति सिंह के पिताजी अखिलेश सिंह की मृत्यु हुई है, उसके बाद से ही अदिति सिंह के सुर बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काफी करीब दिख रही हैं। तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि भविष्य में शायद रायबरेली के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मनोज पांडे सपा के विधायक हैं उनके कार्यक्रम में सोनिया गांधी पहुंचती हैं, लेकिन अदिति सिंह सोनिया गांधी के कार्यक्रम में नहीं आती। तो साफ तौर पर है रायबरेली में अदिति सिंह की सीट पर एक दूसरा अल्टरनेट, एक ऑप्शन ढूंढ लिया है कांग्रेस ने, और अदिति सिंह भी इसको समझ चुकी हैं, इसीलिए वो अब दूरी बना रही हैं कांग्रेस से और बीजेपी के करीब जा रही हैं। बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।